हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल निर्मल छात्र क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिवाइड एंड चेक योर आंसर। इसमें क्वेश्चन 5,967 को डिवाइड करना है 27 से। तो पहले तो हम यहाँ पर टेबल लिख लेंगे 27 की। 27 बन जाए 20 से। अब हमने 27 की टेबल लिख ली, तो अब इसे पहले डिवाइड करेंगे। की टेबल 59 कब से कम आना चाहिए या फिर यही आना चाहिए 24 27 ज़्यादा हो गया, तो फिर हम ये 24 27 2 54 इसको माइनस करेंगे। 9 + 4 गए तो 5, 5 + 5 गए तो 0, उतारेंगे 6, 56। 27 = 27 27 2 = 54 23 = 81 81 56 से ज़्यादा हो गया, तो हम इससे अब एक कम लेंगे, तो 27 = 27 2 = 54 54। अब कर देंगे माइनस, 6 + 4 गए तो 2, 5 + 5 गए तो 0, अब उतारेंगे हम 27 27। तो फिर 27 = 27 27 2 = 54 54 ज़्यादा हो गया, तो हम लेंगे एक बार 27 = 27 इसको माइनस कर देंगे 0 0। और अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा सही है या नहीं। चेक करने से पहले हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए चेक द आंसर का। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस डी रिमाइंडर। तो इसमें डिविडेंड क्या है 5,967, तो हम यह लिख देंगे उसको 5,967। अब यहाँ इक्वल लगा देंगे। अब हमारा डिविजर क्या है, डिविजर है 27, इसके नीचे लिख देंगे 27, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। क्यूटेंट क्या है, अब 221, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 221। और अब हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर है हमारा 0, तो फिर हम लिख देंगे रिमाइंडर 0। और अब हम देखते हैं, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर अब मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 7 7 × 2 = 14 = 4 14 + 4 = 15 और 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 तब हम इसको प्लस करेंगे 7 6 9 5। और अब प्लस में क्या है, हमारा रिमाइंडर 0 है। अगर यहाँ पर कोई और संख्या आती है 5 ऐसा कुछ भी, तो हम उसको इसमें प्लस करते हैं, तो फिर आप देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। देखिए 5,967 है, तो 5,967 This is our answer.